वेलकम बैक टू सोल टॉर्न मेंटेन अपडेट वीडियो। बाकी आपको ये वीडियो में टीम सोल के आज से कुछ अच्छे ग्रैंड स्क्रिम्स के फाइट आपको देखने को मिलने वाले हैं, जहां पे आपको टीम सोल का बैक टू बैक ड्रॉ फाइट देखने को मिलेगा। जितना भी आज मैच हुआ है सेनो की रैंगल लाइक सब में ड्रॉ फाइट आपको देखने को मिलेगा। और बाकी क्या टीम सोल कुछ न्यू स्ट्रैटेजी ट्राई कर रही है, प्रैक्टिस कर रही है, क्योंकि जो आज का गेम प्ले था वो थोड़ा सा अलग देखने को मिला। क्योंकि कल का अगर आपने देखा रहेगा तो कल एक 22 फिनिशेस के साथ चिकन निकाला था, क्या ही एग्रेसिव गेम प्ले था। बट आज थोड़ा सा गेम प्ले जो स्टाइल था वो थोड़ा सा अलग दिख रहा था। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके बताना। एंड न्यू प्लेयर आपको कौन लगता है, कौन हो सकता है? अभी तक कुछ भी लीक्स तो मतलब वही है, स्क्रिप्ट का ही है, बाकी और कुछ लीक्स नहीं आया है। तो आपको क्या लगता है एक बार बता देना कमेंट करके। और चैनल पर जो भी नया सब्सक्राइब कर दो, कैसे भी करके लाइक थोड़ा सा सब्सक्राइब करो यार, बहुत पीछे चल रहा हूँ तो कर दो। काफ़ी टाइम से 60K पे हूँ मतलब, तो कर दो अगर हो सके तो। और बाकी चलते हैं हम सीधा स्क्रिम्स के मैच की तरफ। टू टीम्स की बात करना चाहता हूँ, मॉडेक्स वर्सेस टीम आइकोसोल की फाइट से यहाँ पे शुरू। एंड उतरती फ्रैगन ने देख लीजिए वहां पे आइकोसोल के प्लेयर्स को डाउन किया, लेकिन आइकोसोल का प्रहार जिसको मॉडेक्स यहाँ पे झेल नहीं पा रहे, दो प्लेयर्स डाउन किए गए एंड दोनों के दोनों प्लेयर्स यहाँ पे आइकोसोल की तरफ से फिनिश ऑफ एंड बैक टू द लॉबी भेजे जा चुके। जो एक प्लेयर डाउन हुआ था आइकोसोल का, उसका तो एलिमिनेशन नहीं हुआ, चलिए किरमाड़ा नॉकडाउन पड़े हुए, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब डबल पिस्टल लेके माने आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, इससे पहले वाला भी रैंगल वो गेम प्ले हमें देखने को मिल सकता है। अच्छा अच्छा मेरे साथ एक कास्टर है, छोटा कास्टर सूट बूट पहन के आ चुका है। चलो ठीक है, टीम आइकोसोल ने यहाँ पे एलिमिनेट होने वाली है एक 1v4 की फाइट से। इनका एक स्टोरी भी देखा था मैंने, ये लोग लैन के लिए क्वालिफाई हुए हैं, कुछ पुणे का लैन है, तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन Z4R के प्लेयर्स। लेकिन आइकोसोल रोनी वहाँ पे फिनिश ऑफ में तब्दील कर देंगे उनको एंड फाइनली वो टीम अपने खाते में। फिर प्लेयर है जहर थोड़े से दूर है, फ्यूरी करीब पहुंचना चाहते हैं एंड करीब पहुंचे वो रिवाइवल देने की कोशिश करेंगे। और टीम आइकोसोल ने इस कंपाउंड पे स्लैम डालने की कोशिश की, सबसे आगे वो नकुल, लास्ट ईयर एंगल में भी वही प्लेयर थे लेकिन इस बार थोड़ा सा पासा पलटा हुआ दिखाई दे रहा, क्योंकि थर्ड पार्टी इनके ऊपर नहीं हो रही है, ये एक्चुअली में थर्ड पार्टी कर रहे हैं। एंड माना अल्तू की तरफ से डाउन, सॉरी मानना ने अल्तू को वहां पे डाउन किया, माना भी तो डाउन हमें देखने को मिल रहे हैं लेकिन एलिमिनेशन अब तक कंफर्म नहीं हुआ। लेकिन चलिए गॉड स्प्रिंट के फ्यूरी भी यहाँ पे डैमेज होंगे, फिनिश ऑफ कंफर्म होगा, एक आखिरी एंड लास्ट उम्मीद जो बच गई। भाई कितनी सारी टीम्स बची, मैं किसके ऊपर हाथ रखूं, जहर या आखिरी एंड लास्ट प्लेयर बचे, डू व्हाट आई, तो इस मैच से बाहर जा चुके। टीम आइकोसोल के किसी भी प्लेयर का एलिमिनेशन हुआ है क्या? हाँ माना का एलिमिनेशन हो चुका है, मैंने कहा माना डाउन हुआ और सच में कि सरप्राइज का भी यहाँ पे टीम आइकोसोल को जहर की तरफ से दिया जाएगा। कोई भी प्लेयर अगर बाहर आएगा ना, आराम से उसको ये एलिमिनेट करके इस मैच से बाहर भेज देंगे। राइट साइड में सैफ व्हीकल्स के ऊपर स्मोक्स करने की कोशिश कर रहे हैं एंड राल्फ का नॉक हमें देखने को मिला, फिनिश ऑफ कंफर्म भी किया जा चुका टीम आइकोसोल के प्लेयर्स की तरफ से। एंड अब टीम रेवन यहाँ पे शिकार बनाने आई थी और शायद शिकार बनती हुई दिखाई दे सकती है, 1v1 की फाइट्स। नकुल डाउन किए गए सैफ की तरफ से और आप रॉनी की भी एचपी डाउन दिखाई दे रही है, लेकिन अब आइकोसोल कहीं ना कहीं एक बैक एक स्टेयर्ड है ना पीछे जा चुकी है, एक 3 प्लेयर्स डाउन थे लेकिन अब रॉनी विथ 20 HP एंड दूसरे अगर मैं किरमाड़ा की बात करना चाहूं वो बचे हुए। नकुल का एलिमिनेशन आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नकुल का एलिमिनेशन हो चुका और आपको ये चीज अपनानी पड़ेगी कि आइकोसोल अभी भी यहाँ पे दिक्कतों में, क्योंकि उनके पीछे जस्ट टीम 17 के प्लेयर्स यहाँ पे आए लेकिन किरमाड़ा ने ग्रेनेड्स का इस्तेमाल किया एंड फाइनली टीम 17 की उस आखिरी एंड लास्ट उम्मीद को भी इस मैच से बाहर भेज दिया। अब RNT के सेंसी थोड़े से डैमेज किए गए, ये बचने बचाते अपने आप को लेके आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे, लेकिन ये दो प्लेयर्स अब एक ही व्हीकल में आएंगे, क्या वो सेंसी की तरफ से उतारे जा सकते हैं? दोनों प्लेयर्स हमें सामने एक नॉक निकालना पड़ेगा, निकाला और उससे क्या वो एक और नॉक निकाल सकते हैं? लेकिन नहीं, इस बार नहीं, आप एक नॉक निकाले लेकिन आप नहीं। और टीम आइकोसोल की बात करना चाहते वो देख लीजिए किस तरीके से एक एक करके फिनिशर्स यहाँ पे अपने खाते में दर्ज कर रहे हैं। अब मॉडेक्स की बात करना चाहता हूँ, चलिए उनके दो प्लेयर्स एलिमिनेट हो चुके, टीम जो यहाँ पे आई थी उनका एलिमिनेशन कम्प्लीटली हमें देखने को मिल चुका स्लॉट नंबर 8, लेकिन अब एक 2v4 की फाइट्स। क्या एक मान्य है ही नहीं तो सौम्य नकुल, ओके नकुल मान्य की जगह पे जाते हुए दिखाई दे रहे, मतलब मान्य ओ ओ ओ ज्यादा प्लेयर्स के बारे में हम बाद में बताएंगे, लेकिन अभी किरमाड़ा का नॉक हमें देखने को मिल चुका और मॉडेक्स के प्लेयर्स की तरफ से ग्रेनेड्स वो टाउन से रूर हुए, लेकिन अब नकुल अपने हाथों में अपनी, ओ भाई साहब एक और प्लेयर यहाँ पे नो एक्साइचल टाउन, लेकिन टीम आइकोसोल के भी एक प्लेयर को और नॉक डाउन किया जा चुका। और अब देख लीजिए एक आखिरी एंड लास्ट उम्मीद फ्रैगर, इन्होंने नकुल को भी डाउन किया लेकिन एट लास्ट
सौम्य वहां पे डाउन थे, उठे तुरंत फिनिश ऑफ फटका दिया। ये क्या हुआ था, ये कैसे हुआ था, उसके बारे में बाद में बातें करेंगे। लेकिन आईक्यूस ले लो, अगर पहला मैच पॉइंट्स नहीं आता है एंड पैसिव खेलने लग जाते हैं तो फिर वो टीम का जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। एंड फाइनली रिजल्ट आप सभी के सामने देखने को मिला। और टीम एक्स पाके भी मैं पहले मैच की बात कर रहा था, और वो पहले मैच में अच्छे पॉइंट्स लेके गए थे, डिसेंट से नजर बना के बैठी हुई सरूर। लेकिन अब आईक्यू सोल के प्लेयर सब पुश कर रहे हैं, लेफ्ट साइड से देख लीजिए एक और प्लेयर यहाँ पे नकुल पहुंच चुके, एक नॉक निकालना पड़ेगा और बैटमैन सामने है। मा कसम नकुल ने एक नॉक नहीं निकाल दिया। अब देख लीजिए टीम 18 के पास अब सिर्फ और सिर्फ मात्र कितने प्लेयर्स यहाँ पे बचे हुए हैं, सिर्फ दफा हो चल आखिरी प्लेयर। एंड रॉनी ने उनको कहा चल मुंडे दफा हो। ओके और अब नकुल का नॉक देखने को मिल चुका है, सौम्य का भी नॉक देखने को मिल चुका है। रॉनी वो आखिरी वो लास्ट प्लेयर जिनके ऊपर सवाल उठते हैं, जिनके ऊपर जवाब दिए जाते हैं, और रॉनी को फिर से वो जवाब देना पड़ेगा। गॉड्स ब्रेन के जहर को इस मैच से बाहर भेजना पड़ेगा और इस टीम के अंदर फैलाएं, इस प्लेयर्स को फिनिश ऑफ करें उस जहर से। उससे पहले अगर जहर का एलिमिनेशन हो गया तो बात कुछ और बन सकती है। लेकिन आप गॉड्स ब्रेन चलिए जहर फ्यूरी के पहुंचेंगे रिवाइवल देने के लिए, शायद संपन्न हो या फिर ना हो, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे संपन्न होने वाला है क्योंकि वो WSP के ना आईक्यू सोल के प्रहार टीम लाइक गॉड्स ब्रेन को इस मैच से बाहर भेजेंगे। एंड रॉनी का वो जहर के ऊपर ग्रेनेड उस प्लेयर को .HP से डायरेक्ट बाहर भेज चुका है, और पहले ही एक प्लेयर डाउन हो चुके थे अगर मैं गॉड्स फ्यूरी की बात करूं। और आप WSB अपने चार प्लेयर्स के साथ पुश करने की कोशिश करें, और आईक्यू सोल के पुश में कितनी ताकत होगी जस्ट इमेजिन करो इनके दो प्लेयर्स के। एक तो उनको जोन के अंदर भी जाना है WSB को, ओके ये भी एक कहीं ना कहीं सवाल बनता हुआ दिखाई रहा है। नकुल का वो ग्रेनेड WSB के वहां पे क्लच गॉड को डाउन करता हुआ दिखाई दे सकता है। राइट साइड में अरमान बैठे हुए जरूर है, ग्रेनेड उनके हाथों में, नॉक देखने को मिल सकता था ग्रेन से कोई एक प्लेयर, लेकिन नहीं। लेकिन अब रॉनी वो आखिरी वो लास्ट लम्हा वो आखिरी सांस से टीम आई सोच लेती हुई दिखाई दे रही, क्या उसको तब्दील कर पाएंगे आगे होने वाली। और आईक्यू सोल ये क्या कर रही है, दो प्लेयर्स रॉनी एंड किरमारा दोनों के दोनों घुटनों पे। जब आपको पता चल चुका है कि आगे से प्रहार हो रहे हैं आपको, तो फिर आप डायरेक्टली उस पोजीशन पे क्यों जा रहे, समझ में नहीं आया। आई डोंट नो ये क्या किया जा रहा है, बट आप नकुल को वो काम करना पड़ेगा जिसके लिए वो जाना चाहते हैं, नकुल को वो फिनिशेस निकालने पड़ेंगे जिससे इनकी टीम बच पाएगी। एक डाउन किया फिनिश ऑफ कंफर्म, एंड माना की बात करना चाहता हूं वो भी अपनी टीम को अब बचाने की कोशिश करेंगे। लास्ट मैच अगर आपको याद हो तो मान्या एंड नकुली वो प्लेयर थे जो कि अपनी टीम को बहुत हद तक आके लेके गए थे, और अर्ली क्लैशेस में रॉनी एंड गिरमाड़ा का एलिमिनेशन देखने को मिल चुका था। लेकिन अब टीम तामिलास के लिए भी यहां पे दिक्कत होती हुई दिखाई दे रही क्योंकि उनके दो प्लेयर्स फिनिश ऑफ एक मान्या की तरफ से एलिमिनेट किए गए, नहीं मान्या की तरफ से कोई भी एलिमिनेट हुआ है, नॉक हमें जरूर देखने को मिल चुका। लेकिन अब टीम तामिलास के मिस्टर आईजल ने ट्रेवर्स को वहां पर रिवाइवल दिया, और अब टीम आईक्यू सोल फाइनली अपने चारों प्लेयर्स के साथ यहां पे आगे बढ़ने की कोशिश की रही। बस वहां पे किरमाना का कदम पे आना जरूर, लेकिन माने आगे गए, एक नॉकडाउन जरूर निकाला, और मिस्टर आईजीएल ने वहां पे डाउन करते ही माने की कहानी इस मैच से खत्म कर दी। और ये क्या होता हुआ दिखाई दे रहा टीम आईक्यू सोल के लिए, सारी चीजें भी जब फेवर में आपके जा रही है फिर भी कहीं ना कहीं तारे आपके गर्दिश में दिखाई दे रहे। और एट लास्ट नकुल ने मिस्टर ये किरमाना ऑलरेडी ये पहुंच चुके, किरमाना नहीं रुकिए मैं नकुल की बात करना चाहता हूँ, ये पहुंच चुके हैं गॉड्स ब्रेन के सामने, एक प्लेयर को नॉक डाउन करने की कोशिश, जिगल जरूर किया गया बट डिफेंड नहीं कर पाए, वो अटैक नहीं कर पाए, लेफ्ट साइड से अल्टू आते हुए दिखाई दे रहे। ज्यादा एक्सपोज नहीं होना है, खुद को संभाल के रखना है। गॉड प्लेयर टीम आईक्यू सोल के यहाँ पे पहुंच चुके हैं, और आप देख लीजिए टीम गॉड्स ब्रेन की बारिश शायद हमें थोड़ी देर के बाद खत्म होती हुई दिखाई दे, क्योंकि वैसे भी आ रहा है जोन तो वैसे भी आपको डैमेज कर रहा है। अब दोनों टीम्स को एक लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना, और किरमाड़ा को देख लीजिए पहुंच चुके हैं फास्ट में, एक 1v1 की फाइट से यहां पे डाउन किया गया एक प्लेयर को, फिनिश ऑफ ऑन द स्पॉट कंफर्म किया गया राइट साइड में गॉड्स ब्रेन के L2, एंड वो देख लीजिए किरमाड़ा को नॉक डाउन करके ऑन द स्पॉट फिनिश ऑफ कंफर्म करने के लिए आगे बढ़ेंगे, एंड शायद यहां पे उनका एलिमिनेशन भी हमें अब देखने को मिल सकता है क्योंकि कोई भी प्लेयर आसपास में नहीं। लेकिन नकुल वो प्लेयर है जो कि गॉड्स ब्रेन के फ्यूरी को डाउन कर चुके हैं, और आप देख लीजिए अल्टू पलटू एक आखिरी एंड लास्ट उम्मीद, अल्टू को क्या पलटा जाएगा या फिर यहां पे वो रॉनी को डाउन कर सकते। ओ ओ ओ रॉनी डाउन भाई, नकुल तब फाइट ले रहा था जब गॉड्स ब्रेन की पूरी टीम यही भी थी, और मान्या का तो एलिमिनेशन बहुत पहले हो चुका है। अगर मैं रॉनी की बात करना चाहूं वो दूसरी और एंगल बना के बैठे हुए थे, लेकिन चलिए अब किरमाड़ा का
रिवाइवल सक्सेसफुल हो चुका है, आगे बढ़ने की कोशिश की जाएगी। एक 1v2 की फाइट स्कॉट स्वेन वर्सेस टीमार्क सोल के बीच में देखने को मिलते हुए दिखाई दे सकती है, लेकिन यहाँ पे फटका पड़ेगा बैक एंड से टीम मोगो स्पोर्ट्स का ध्यान। लाइक राइट साइड से 12 आ रही है इजी पीजी, क्या मोगो स्पोर्ट्स उसको रोक पाएगी ये भी अपने आप में एक सवाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑलरेडी एक प्लेयर का एलिमिनेशन हो चुका है। चलिए मोगो के जस्टिन यहाँ पे आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो फाइट जिसके हम बात कर रहे थे कि क्या वो शुरू होने वाली और खत्म भी हो गई, टीम आइकोसोल ने पूरी की पूरी तरीके से मॉड एक्स के ऊपर यहाँ पे जीत हासिल कर ली है और मॉड एक्स को एक और बार इस मैच से ऑन द मूव बाहर जाना पड़ा है ड्रॉ क्लैशेस करने की वजह से, एंड पूरी की पूरी टीम इस मैच से बाहर। और अब आइकोसोल पहुंच चुकी है एक टीम के खेमे में, 5-4 फिनिशेस तो इन्होंने निकाल लिए, इन्होंने मॉड एक्स को फिनिश ऑफ किया था और टीएमजी गेमिंग के प्लेयर्स के साथ यहाँ पे फाइट्स होने वाली है। एक नॉकडाउन उनके प्लेयर दिखाई दे रहे हैं और नकुल को अगर आप देखोगे वो सबसे आगे, अगर उस कंपाउंड में पुश करना है तो एक और नॉक यहाँ से निकालना पड़ेगा तब जाके कोई ना कोई चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि टीएमजी के जस्ट यहाँ पे बैक एंड पे देखोगे एक और टीम बैठी हुई जरूर है जो कि स्लॉट नंबर 5 हमें देखने को मिल रही है। नकुल डायरेक्ट स्लैम डालना चाहते थे, व्हीकल कहीं ना कहीं डगमगाती हुई दिखाई दे रही है और बाकी के 3 प्लेयर्स ने वहां पे स्लैम डाला जिनमें से माना को डेविल ने डाउन कर दिया और सिर्फ 3 मात्र प्लेयर अलाइव टीम आइकोसोल के और एक नॉकडाउन होते ही फिनिश ऑफ में तब्दील हो चुके हैं। टीम आइकोसोल का ये स्लैम ओपन से जाना कहीं ना कहीं सही या गलत साबित होता हुआ दिखाई दे सकता है, वो तो आपको दिखाई देगा। मैंने कहा था वो टीम नंबर 5 आ चुकी है इस फाइट में और ये देख लीजिए रॉनी को डाउन, मान्या को डाउन, दोनों के दोनों प्लेयर्स डाउन एंड फिनिश ऑफ किरमाना और रेडी घुटनों पे नकुल, वो आखिरी वो लास्ट उम्मीद जो कि जल्द ही हमें फिनिश ऑफ होते हुए दिखाई देंगे टीम नंबर 5 के प्लेयर से। और TMG गेमिंग तो है यहीं पे और TMG e-sports का भी आगमन हमें यहाँ पे देखने को मिल चुका है, लेकिन जो नकुल है वो दोनों दिशाओं से, चारों दिशाओं से मल्टीपल डायरेक्शन से फंस चुके हैं पूरी की पूरी तरीके से और यहां से बच के निकल पाना बहुत, अरे कृष्णा जोड़ नाम से मैं नहीं खेलता हूँ भाई, मेरा नाम है यू आर फेलियर ब्रो, ठीक है मेरा, मैं उस नाम से खेलता हूँ, मैं कृष्णा जोड़ के नाम से नहीं खेलता, मुझे नहीं पता कि कृष्णा जोड़ कौन है। और यहाँ पे देख लीजिए टीम आइकोसोल कुछ जोड़ फाइट्स यहाँ पे ले रही है और जोड़ फिनिशेस यहाँ पे दर्ज कर रही है अपने खाते में, पहला नॉक निकाला उन्होंने, पहला फिनिश ऑफ कंफर्म किया, रिवर्स एक्स जैसे यहाँ पे ऊपर चढ़ के फाइट्स लेने की कोशिश करें और आइकोसोल कैंप अल्फा की तरफ उतरी, उन्होंने देख लिया था कि यहाँ पे कोई टीम आ चुकी है ऑलरेडी और उनके ऊपर स्लैम डालना है और शुरुआत में अगर मैं कहूँ तो हाँ उन्होंने इनके एक प्लेयर को एलिमिनेट करके इस मैच से बाहर भेज दिया और फाइनली वो आजू बाजू दाएं बाएं पूरा का पूरा यहाँ पे फ्लाइंग करके उतर चुके, मतलब एक प्लेयर बैक एंड पे जा चुका है। अगर आप नोटिस करोगे राइट साइड में देख लीजिए मान्या दिखाई दे रहे हैं, बहुत लंबा स्प्लिट खेलने की कोशिश की जाएगी लेकिन वो ग्रेनेड जो रॉनी का जाएगा वो सेक्स को डाउन करता हुआ दिखाई दे सकता है और देखते देखते टीम 23rd के पास अब सिर्फ और सिर्फ मात्र 2 प्लेयर्स आपको अलाइव दिखाई दे सकते हैं, बेसिक फॉर आर्म एंड लाइक रेक्सी। भाई जो फॉर्म में प्लेयर रहता है ना उसके लिए तो सब कोई बोलता है, लेकिन जो प्लेयर फॉर्म में नहीं रहता जिसके वो क्रिटिसाइज किया जाता उसके लिए कोई बात नहीं करता, लेकिन मैं आज कहूंगा कि रॉनी ने फिनिश ऑफ करके रिवर्स एक्स को यहां पे उनको बाहर भेज दिया और आप देख लीजिए रॉनी है और ये क्या 2 प्लेयर्स वहां पे टीम आइकोसोल के डाउन। राइट साइड की बात करना चाहते किरमाना वहां पे मान्या वहां पे फाइट्स लेना चाहते हैं, ये डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, नॉक डाउन कर देंगे रेक्सी को और आप एकमात्र नाकरी सर डैमेज हुए चुके हैं जरूर थोड़ा सा मान्या, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर वहां पे रिवाइवल हो जाता किरमाना का तो फिर तो आइकोसोल यहाँ पे डायरेक्ट स्लैम डालेंगे। नकुल को देख लीजिए सबसे आगे आए दिल खोल के हाथे खोल के बाहों में एक्सेप्ट किया, 3 प्लेयर्स यहाँ पे आपको अलाइव दिखाई दे रहे, टीम आइकोसोल अब जोन के अंदर आने की कोशिश करेगी और जस्ट ऊपर अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे गॉड्स रेन की टीम बैठी हुई जरूर है और एक एक करके टीम आइकोसोल बाकी के टीम्स के भी प्लेयर्स को फिनिश ऑफ करती हुई दिखाई दे रही है, 5 फिनिशर्स ये अपने खाते में दर्ज कर चुके, बस यहाँ से कोई आने को देख लीजिए वो टीम 22 के प्लेयर्स के ऊपर निशाना बना चुके हैं इनके ही जस्ट यहाँ पे राइट साइड में एक और टीम के प्लेयर्स हमें दिखाई दे रहे चुकी गॉड्स रेन है और जहर के ऊपर प्रहार, लेकिन अब नकुल की तरफ से गॉड्स डाउन किए जाएंगे टीम 22 के एंड प्रो का भी एलिमिनेशन कंफर्म है, एक और फिनिश ऑफ इनके खाते में आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जोन की वजह से नकुल का भी नॉकडाउन हमें देखने को मिल चुका और मैं इसी चीज की बात कर रहा था टीम आइकोसोल बहुत ज्यादा बार फिनिश ऑफ हो रही है जोन के बाहर, बस आज ऐसा कुछ ना देखने को मिले, 6 फिनिशर्स है इनके पास नो डाउट, लेकिन अब एक प्लेयर जो नॉकडाउन है और एक प्लेयर जो फिनिश ऑफ हो चुके हैं, टाइम नहीं किया बस जल्दी से जल्दी कर दो और आइकोसोल की फाइट यहाँ पे टीम लाइक 16 के साथ शुरू होती है और आते आते देख लीजिए मान्या को नॉकडाउन किया जा चुका और एक और प्लेयर यहाँ पे किरमाना भी डाउन हमें देखने को मिलेंगे और नकुल वो आखिरी वो लास्ट उम्मीद जोन के अंदर तो है जरूर बचे हुए, लेकिन क्या वो सेवियर, क्या वो एट लास्ट मोमेंट पे आके अपनी टीम के लिए वो जो खिताब इनको मिला है वो लेके जा पाएंगे। देखिए एक डायलॉग में कहना चाहूंगा, मां कसम
ध्यान से आगे बढ़ना, आगे बैटमैन है। एंड चलिए इन्होंने एक प्लेयर को डाउन कर दिया, वेगेटो को। राइट साइड से दूसरे प्लेयर की भी एंट्री, एक और प्लेयर को डाउन, एक और प्लेयर राइट साइड से एंगल लेके नहीं दे रही। और रॉनी, सौम्य और सामने टीम साकी बैठी, और सौम्य का वो ग्रेनेड थोड़ा सा जान डालता हुआ दिखाई दे सकता है। एक और ग्रेनेड रॉनी का, यहाँ पे ऑर्डिंग को डाउन करेगा। और ये देख लीजिए पासा कब पलट, एंड रॉनी को अब एक और वैसा ही ग्रेनेड डालना पड़ेगा जिस ग्रेनेड से वो डाउन कर रहे थे प्लेयर्स। लेकिन सीर भी का वो ग्रेनेड सौम्य को करता हुआ दिखाई दे सकता है डाउन। रॉनी को स्मोक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, फुटस्टेप की आवाज सुननी पड़ेगी, क्योंकि अब वो दोनों प्लेयर्स नहीं रुकेंगे, वो पुश करेंगे। एंड इन दोनों टीम्स के पीछे फोर मिरेकल भी आ रही है, तो अगर यहाँ से कोई भी जीत जाता है, चाहे वो टीम आयको सोलो, चाहे वो टीम साकी के प्लेयर्स हो, तो फिर यहाँ पे फोर मिरेकल का स्लैम को भी रोकना पड़ेगा जरूर। लेकिन अब एक प्लेयर डाउन और लोगों को नॉक डाउन किया गया, लेकिन सीर भी